Hello, my dear students. Today I will take the class on the subject of mental health nursing, and today's topic is electroconvulsive therapy or ECT. It is very important topic. Okay, so ECT is a type of somatic treatment first introduced by Binney and Charletti in April 1938. From 1980 onwards, ECT is being considered as a unique psychiatric treatment. तो ECT एक वन टाइप ऑफ सोमैटिक ट्रीटमेंट है जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ है बिनी एंड चार्लेटी से. दो पर्सन बिनी एंड चार्लेटी जो फर्स्ट ECT को इंट्रोड्यूस किया है इन अप्रैल 1938. इन 1918 से ECT क्या हो गया है, साइक्रेटिक, यूनिक साइक्रेटिक ट्रीटमेंट बन गया है. ठीक है, तो ECT में क्या होता है. ECT is the artificial induction of grand mal seizure through the application of electric current to the brain. तो ECT एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेन में आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक करेंट अप्लाई करके पेशेंट का होल बॉडी में ग्रैंड मल सीजर प्रोड्यूस कर सकते हैं. आई थिंक सबको पता है व्हाट इज सीजर. सीजर्स क्या होता है, अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन में होने से होल बॉडी में क्या होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, उसके बाद एबनॉर्मल नर्व इम्पल्स ब्रेन में जाने की वजह से मेनली ये होता है. अनकंट्रोल एबनॉर्मल नर्व इम्पल्स ब्रेन में जब प्रोड्यूस होता है, इसके वजह से होल बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, बॉडी में जार्किंग होता है, उसके बाद पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, पेशेंट का फॉल भी हो सकता है, ये सीजर में होता है. ठीक है, द स्टिमुलस इज अप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रोड दैट आर प्लेस्ड आइदर बायलैटरली इन द फ्रंटोटेम्पोरल लिजन और यूनिलैटरली ऑन द नॉन डोमिनेंट साइड राइट साइड ऑफ हेड इन ए राइट हैंडेड इंडिविजुअल. तो थ्रू ECT हम लोग क्या करते हैं, ब्रेन में स्टिमुलस देते हैं. तो जब हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो स्टिमुलस जब ब्रेन में देंगे तो किसके थ्रू देंगे, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू. इलेक्ट्रोड जो है वो ब्रेन में अप्लाई प्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करेंगे. तो इलेक्ट्रोड जो है बायलैटरली भी हम लोग प्लेस कर सकते हैं. कौन सा रीजन में, फ्रंटो टेम्पोरल रीजन, मीन्स फ्रंटल बोन और टेम्पोरल बोन का जो जंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटो टेम्पोरल रीजन. दो साइड ब्रेन में, जो दो साइड में फ्रंटो टेम्पोरल रीजन है वहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हम लोग अप्लाई करके मेनली करंट को अप्लाई करेंगे ब्रेन में. ठीक है, और जब हम लोग यूनिलैटरली प्लेस करेंगे इलेक्ट्रोड को तो अब मेनली जो पर्सन का नॉन डोमिनेंट साइड होगा ब्रेन का, उसमें हम लोग वो इलेक्ट्रोड अप्लाई करके उसके बाद ही जो करंट है वो इलेक्ट्रिकल करंट है वो अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो कोई भी पर्सन का राइट साइड डोमिनेंट होगा और राइट हैंड डोमिनेंट होगा तो उसका क्या होगा, ब्रेन में लेफ्ट साइड जो है वो डोमिनेंट पार्ट होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन कैन कंट्रोल द अदर राइट पार्ट. ओके, तो कोई भी पर्सन का राइट हैंड डोमिनेंट होगा तो वो कंट्रोल होगा ब्रेन का लेफ्ट पार्ट से, और उसका राइट पार्ट ही नॉन डोमिनेंट साइड होगा. तुम लोग याद रखना, नॉन डोमिनेंट साइड. कोई भी पर्सन का राइट हैंड डोमिनेंट होगा तो ब्रेन का राइट पार्ट में वो इलेक्ट्रोड प्लेस करना है. ठीक है, नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाइड. स्टैंडर्ड डोज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन 1978. तो जो इलेक्ट्रिकल करंट हम लोग अप्लाई करेंगे पेशेंट का ब्रेन में तो उसका स्पेसिफिक पैरामीटर होना चाहिए. वोल्टेज होगा 70 to 120 वोल्ट एंड ड्यूरेशन होगा 0.7 to 1.5 सेकेंड. ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ सीजर प्रोड्यूस्ड. तो सबको पता है जो सीजर प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रैंड मल सीजर है. ग्रैंड मल सीजर मीन्स होल बॉडी में सीजर होगा. ठीक है, तो ग्रैंड मल सीजर का मेनली टू फेज होता है, एक टोनिक फेज, एक क्लोनिक फेज. टोनिक फेज जो है वो लास्ट करता है 10 to 15 सेकेंड एंड क्लोनिक फेज जो है वो लास्ट करता है 30 to 60 सेकेंड्स. ओके, नेक्स्ट इज द मेकानिज्म ऑफ एक्शन. मीन्स ECT देने से कैसे पेशेंट का इम्प्रूवमेंट होगा, मीन्स ECT पेशेंट का ब्रेन में कैसे काम करेगा. ठीक है, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, कोई हम लोग जितना कोई भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट देख लिया है, सब में क्या था, कैटेकोलामाइन और न्यूरोट्रांसमीटर का एबनॉर्मलिटी के वजह से उसका बॉडी में साइकियाट्रिक डिसऑर्डर और मूड डिसऑर्डर अराइज कर रहा था. तो
इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी कैसे ब्रेन में काम करेगा अभी हम लोग देखेंगे। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट नोन। ऑन वन हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट ईसीटी पॉसिबली एफेक्ट्स द कैटेकोलामाइन पाथवे बिटवीन डायन्सेफेनॉल फ्रॉम हायर द सीजर जनरेशन ऑकर्स एंड लिम्बिक सिस्टम व्हिच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड डिसऑर्डर ऑल्सो इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस। तो मेनली क्या होता है, हम लोग को पता है कोई भी साइक्रेटिक डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, जो भी टाइप का डिसऑर्डर है साइक्रेटी में, सब कोई किसके वजह से होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है, जो नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से और एक न्यूरॉन में ले जाता है, वहाँ का एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। तो जो हम लोग ईसीटी ब्रेन में अप्लाई करेंगे उसके वजह से क्या होगा, कैटेकोलामाइन का लेवल में चेंजेस आएगा, कैटेकोलामाइन लेवल नॉर्मल होगा, उसके वजह से क्या होगा, जो इन्वॉल्व करेगा डायन्सेफेनॉल को, उसके बाद लिम्बिक सिस्टम को। तो लिम्बिक सिस्टम में इन्वॉल्व होगा, हम लोगों को पता है लिम्बिक सिस्टम कोई भी टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो हाइपोथैलेमस को भी इन्वॉल्व करेगा, जिसकी वजह से कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मेनली द डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो भी है और साइकोसिस जो भी है, वो ठीक हो जाएगा ईसीटी देने से। ठीक है, नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ ईसीटी। मेनली टू टाइप्स, डायरेक्ट ईसीटी एंड इज द मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है, इन दिस ईसीटी इज गिवन इन द सब्सटेंस ऑफ एनेस्थेसिया एंड मस्कुलर रिलैक्सेशन। दिस इज नॉट ए कॉमनली यूज्ड मेथड नाउ। तो डायरेक्ट ईसीटी पहले देता था, वो अभी उतना यूज नहीं होता है, अभी यूज होता है मेनली मॉडिफाइड ईसीटी। जो मॉडिफाइड ईसीटी है वो क्या है, हेयर ईसीटी इज मॉडिफाइड बाई ड्रग इंड्यूस्ड मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया। तो पेशेंट को ईसीटी देने से पहले जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, उसके बाद मस्कुलर रिलैक्सेशन देना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद ही उसका ईसीटी स्टार्ट होता है, जो मेन प्रोसीजर वो स्टार्ट होता है, वो मॉडिफाइड ईसीटी है। अभी ये टाइप ऑफ मॉडिफाइड ईसीटी अभी चालू है, मेनली ये टाइप ऑफ ईसीटी पेशेंट को हॉस्पिटल में दिया जाता है, डायरेक्ट ईसीटी नहीं देता है उतना, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ ईसीटी। फ्रीक्वेंसी 3 times पर वीक और एज इंडिकेटेड। तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करके जो साइकेट्रिस्ट है वो प्रिस्क्राइब कर देता है कितना टाइम देना पड़ेगा, मेनली एक वीक में 3 times हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर 6 to 10 अप टू 25 में भी प्रेफर्ड एज इंडिकेटेड। मेनली कॉमनली यूज होता है, कॉमनली 6 to 10 सेशन ईसीटी देने से चलता है, बट कभी कभी 25 भी हम लोग दे सकते हैं, 25 तक भी हम लोग दे सकते हैं। पेशेंट जो साइकेट्रिस्ट है वो प्रिस्क्राइब कर देगा तो 25 पेशेंट के ऊपर, पेशेंट का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके 25 तक भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो मेनली हम लोग 2 types ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स देखे हैं। फर्स्ट है बायलेटरल ईसीटी, सेकेंड इज यूनिलेटरल ईसीटी। बायलेटरल नाम से ही पता चल रहा है, मेनली ब्रेन का 2 sides में रहेगा, ठीक है, और यूनिलेटरल मीन्स 1 side में रहेगा, ठीक है। तो ईच इलेक्ट्रोड इज प्लेस 2.5 to 4 centimeters अबव द मिड पॉइंट ऑन ए लाइन जॉइनिंग द ट्रैकस ऑफ द एयर एंड द लैटरल कैंथस ऑफ द आई। तो जो बायलेटरल ईसीटी है, मेनली 2 electrodes यूज होता है और अप्लाई होता है ब्रेन में। तो कौन सा रीजन में अप्लाई होगा, जो मिड पॉइंट होगा, कहाँ से मिड पॉइंट, आउटर कैंथस, सबको पता होना चाहिए आई का जो आउटर साइड है, आउटर कैंथस से एक लाइन हम लोग खींचेंगे तो वो जाके हम लोगों का जो एयर है उसके साथ, एक एयर में जो ट्रैगस है उसके साथ एक लाइन मिलेगा, और उसका मिड पॉइंट जो है वहाँ से 2.5 to 4 centimeters ऊपर में हम लोग इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे बोथ साइड में, ब्रेन का बोथ साइड में, ठीक है। और यूनिलैटरल जो ईसीटी होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ओनली ऑन वन साइड ऑफ हेड, यूजुअली नॉन डोमिनेंट साइड, राइट साइड ऑफ हेड इन ए राइट हैंडेड इंडिविजुअल। यूनिलैटरल ईसीटी इज सेफर विथ मच फीवर साइड इफेक्ट, पार्टिकुलरली दोस ऑफ मेमोरी इम्पेयरमेंट, ठीक है। जो यूनिलैटरल ईसीटी नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोड जो भी है वो हेड का 1 side में प्लेस्ड होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड 2 प्लेस होगा, बट हेड का 1 side में रहेगा, मेनली नॉन डोमिनेंट साइड में। और तुम लोगों को पहले भी बोल दिया, कोई भी राइट हैंडेड इंडिविजुअल होगा, कोई किसी का राइट साइड डोमिनेंट होगा तो वो राइट साइड ब्रेन का लेफ्ट साइड से कंट्रोल होता है, तो उसका राइट साइड ही होगा नॉन डोमिनेंट साइड।
ठीक है। तो याद रखना, जो साइट कोई भी पर्सन का जो साइट डोमिनेंट है, सेम साइट में मेनली हम लोग ब्रेन में ECT अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यूनिलैटरल ECT का बहुत साइड इफेक्ट भी कम है, सेफ है। मेनली जिन लोगों का मेमोरी इम्पेयरमेंट है, उन लोगों के लिए यूनिलैटरल ECT मोस्ट कॉमन है, और ये देने से साइड इफेक्ट भी उतना नहीं होता है, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी, मीन्स इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी देने से क्या क्या डिजीज़ को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन में हम लोग ECT दे सकते हैं। मेजर डिप्रेशन में भी बहुत सारा सिम्टम होता है। फर्स्ट क्या होता है, विथ सुइसाइडल रिक्स, स्टूपर। स्टूपर मीन्स इम्पेयर्ड रिस्पॉन्सनेस, इम्पेयर्ड मूवमेंट, देयर इज ए प्रॉब्लम इन कॉन्शसनेस। तो ऐसा टाइप ऑफ पेशेंट को भी हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट, पुअर इंटेक ऑफ फूड एंड फ्लूइड्स, मेलानकोलिया विथ साइकोटिक फीचर्स। मेलानकोलिया एक वन टाइप ऑफ डिप्रेशन ही है। इसमें सीवियर डिप्रेशन होता है, उसके बाद बिहेवियरल इम्पेयरमेंट होता है, मूवमेंट इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है। अनसेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स टू ड्रग्स, और हायर ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड और हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स। तो मेजर डिप्रेशन में बहुत से कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। कोई भी पेशेंट का मेजर डिप्रेशन है, उसके साथ सुइसाइडल रिक्स है, उसके बाद स्टूपर है। स्टूपर है मीन्स वो किसी के साथ किसी के बात से रेस्पॉन्स नहीं करता है, कोई भी मूवमेंट भी नहीं करता है, उसका कॉन्शसनेस में भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा पेशेंट को दे सकते हैं। कोई पेशेंट कोई भी फूड नहीं खा रहा है, फ्लूइड नहीं ले रहा है, और सीवियर डिप्रेशन में है, मेलानकोलिक टाइप ऑफ डिप्रेशन है। उसके बाद जो पेशेंट को हम लोग बहुत बार ड्रग्स से, साइक्रेटिक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स से ट्रीट करने की कोशिश किए, बट पेशेंट ड्रग लेने से मीन्स मेडिसिन लेने से पेशेंट का कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। और बहुत सारा कंडीशन होता है जहाँ पे साइक्रेटिक मेडिसिन हम लोग नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और बहुत सारा कंडीशन होता है जब साइक्रेटिक मेडिसिन का बहुत साइड इफेक्ट होता है, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ECT दे के उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सीवियर कैटाटोनिया। हम लोगों को जानना चाहिए व्हाट इज कैटाटोनिया। कैटाटोनिया इज द वन टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, मेनली एक्सेसिव रिपीटेटिव ओवर एक्टिविटी होता है। पेशेंट रिपीटेटिव सेम टाइप ऑफ बिहेवियर रिपीटेटिवली करते हैं, और पेशेंट का एक्टिविटी भी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होता है। पेशेंट कोई भी मूवमेंट नहीं करता है, मूवमेंट में इम्पेयरमेंट होता है, उसके बाद बिहेवियर में चेंज आता है, तो ये है कैटाटोनिया, ठीक है। कैटाटोनिया विथ स्टूपर के साथ भी हो सकता है। पुअर इंटेक ऑफ फूड एंड फ्लूइड्स, अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स टू ड्रग थेरेपी, और व्हेन ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड और हैव सीरियस साइड इफेक्ट। सेम पहले जो बोला वही है, जहाँ पे हम लोग ड्रग नहीं यूज़ कर सकते हैं, और बहुत दिन से ड्रग यूज़ करके कोई भी इम्प्रूवमेंट पेशेंट का कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आया, और जैसे कंडीशन में ड्रग का देने से बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ECT दे सकते हैं, सीवियर कैटाटोनिया में भी, ठीक है। नेक्स्ट इज द सीवियर साइकोसिस, मीन सिजोफ्रेनिया और मैनिया, विथ रिस्क ऑफ सुइसाइडल, होमिसाइडल, और डेंजर ऑफ फिजिकल असॉल्ट, डिप्रेसिव फीचर्स, अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स टू ड्रग थेरेपी, और व्हेन ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड और हैव सीरियस साइड इफेक्ट। सेम है, और मेनली यहाँ पे सीवियर साइकोसिस में जिन लोगों का सुइसाइडल रिस्क है, मीन्स खुद को हार्म करने का रिस्क, होमिसाइडल रिस्क है, मीन्स और किसी को हार्म करने का रिस्क है, और फिजिकल असॉल्ट का डेंजर है, डिप्रेसिव फीचर है, ड्रग से ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ECT दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक साइकोसिस में हम लोग ECT दे सकते हैं, ठीक है। अदर इंडिकेशन, ECT इज प्रेफर्ड टू एंटी डिप्रेशन थेरेपी इन सम केसेस, सच एस फॉर पेशेंट्स विद कार्डियक डिजीज, व्हेन ट्राइसाइक्लिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल फॉर डिसरिथमियस एंड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, एंड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन होम एंटी डिप्रेशन प्लेस द फिटस एट रिस्क फॉर कॉन्जेनिटल डिफेक्ट। तो बहुत सारा सिचुएशन में हम लोग ECT दे सकते हैं। तो कौन सा सिचुएशन, किसी का कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट जिसका कार्डियक डिजीज है,
तो ऐसा कंडीशन में कार्डियक डिजीज में हम लोग ट्राइसाइक्लिक टाइप ऑफ एंटी डिप्रेशन नहीं दे सकते हैं। तो देने से क्या होगा, पेशेंट का डिसरिथमिया होगा, मींस पेशेंट का हार्ट बीट में जो रिदम है उसमें प्रॉब्लम होगा, कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, डिप्रेशन का पेशेंट उसके साथ कार्डियक डिजीज भी है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग ECT से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा प्रेग्नेंट वुमेन जिन लोगों का डिप्रेशन हुआ है, बट हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन को भी एंटी डिप्रेशन ड्रग नहीं दे सकते, क्योंकि एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या करेगा, फिटस को हार्म करेगा और फिटस का बहुत सारा कॉन्जेनिटल एनोमलीज और डिफेक्ट हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग पेशेंट को ECT देके ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ गिविंग द ECT। तो ECT देने से हम लोग का पेशेंट कौन सा सिचुएशन में हम लोग ECT नहीं देंगे। फर्स्ट एब्सोल्यूट जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है रेस्ड इंटरक्रेनियल प्रेशर। कोई भी पेशेंट का इंटरक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है तो हम लोग ECT नहीं देंगे। रिलेटिव जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसके अंदर में है सेरिब्रल एन्यूरिज्म। तो ये न्यू टर्म है एन्यूरिज्म। तो हम लोग को सबको पता है ब्लड वेसल में बहुत सारा लेयर होता है, तो कोई भी लेयर में वीकनेस होने की वजह से क्या होता है, वो लेयर जो है ब्लड वेसल जो है वो क्या होता है, परमानेंटली डायलेटेड हो जाता है, बेलून की तरह डायलेट हो जाता है, उसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। तो सेरिब्रल आर्टरी में जब सेरिब्रल और कोई वेसल्स में जब वो परमानेंट डायलेटेशन होगा तो उसको बोलते हैं सेरिब्रल एन्यूरिज्म। नेक्स्ट सेरिब्रल हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, नेक्स्ट न्यूमोनिया और एओर्टिक एन्यूरिज्म, रिटिनल डिटैचमेंट, ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में है। तो कोई भी पेशेंट आएगा तो उन लोग से ये सब हिस्ट्री लेना पड़ेगा। ये सब हिस्ट्री में पेशेंट का है और पेशेंट का ये सब डिजीज़ है तो हम लोग ECT नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ECT। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ ECT आर रेयर, मीन्स ECT देने से कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, होता भी होगा तो रेयर है। ECT डज नॉट कॉज एनी ब्रेन डैमेज, ECT देने से ब्रेन में कोई डैमेज नहीं होता है। फ्रैक्चर कैन समटाइम्स ऑकर इन एल्डरली पेशेंट्स विथ ऑस्टियोपोरोसिस। कभी कभी फ्रैक्चर हो सकता है कोई मेनली एल्डरली पेशेंट को और जिसका ऑस्टियोपोरोसिस का हिस्ट्री है, मीन्स ब्रेन सॉरी ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, कैल्सिफिकेशन बोन में ठीक से नहीं होने की वजह से बोन जो है वो क्या है, पोरस हो जाता है, इजिली ब्रेकेबल हो जाता है। तो वो ऐसा पेशेंट का फ्रैक्चर होने का चांस है। इन पेशेंट्स विद ए हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, डिसरिथमियास एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट में ऑकर। तो कभी कभी पेशेंट का हार्ट डिजीज का पेशेंट का डिसरिथमिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ ECT। तो ECT देने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट, नेक्स्ट ड्राउसीनेस, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, एंग्जाइटी, हेडेक, वीकनेस, फैटिक, बैकेक, मसल एक, ड्राइनेस ऑफ माउथ, पैल्पिटेशन, नॉजिया, वॉमिटिंग, अनस्टेडी गेट, टंग बाइट एंड इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। ये सब साइड इफेक्ट है ECT का। ECT देने से ये सब साइड इफेक्ट होता है, ठीक है।